नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश व्यास आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वास्तु टिप्स। दोस्तों ये वास्तु टिप बहुत महत्वपूर्ण है, आप मेरे सभी वास्तु टिप्स को बहुत पसंद करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं आज आपको बता रहा हूँ पूजा स्थल के वास्तु दोष। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पूजा स्थल हमेशा ईशान कोण में होना चाहिए। ईशान कोण का मतलब आप समझते हैं उत्तर और पूर्व का स्थान, वह ईशान कोण कहलाता है। ईशान कोण में यदि आप पूजा स्थल बनाते हैं तो ये बहुत ही लाभकारी होता है। कई कारणों से हम इस ईशान कोण में पूजा स्थल बना नहीं सकते तो वास्तु दोष भी उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों यदि आपने ईशान कोण को गंदा कर दिया, वहाँ कूड़ा करकट डाल दिया या आपने वहाँ पे पूजा स्थल नहीं बनाया तो अनेक प्रकार की कष्ट, अनेक प्रकार की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों आप घबराइए नहीं, हमारे पास कुछ ऐसे वास्तु टिप्स है जो कि आपके पूजा स्थल यानी आपके मंदिर के वास्तु दोषों को दूर करेंगे। आपने मंदिर मान लो सही जगह भी नहीं बनाया, आपने कहीं और मंदिर बना लिया तो भी दोस्तों कोई बात नहीं है, आप कम से कम जहां आपने मंदिर बनाया है आप वहां पे भी उस मंदिर को भी सही तरीके से आप उसको व्यवस्थित तरीके से रखिए। इसके लिए सर आपके लिए आपको क्या करने की जरूरत है, एक तो आप अपने पूजा स्थल पर कभी भी आमने सामने तस्वीरें और मूर्तियां नहीं रखें। आमने सामने तस्वीरें और मूर्तियां आप नहीं रखें। पूजा घर में पंचदेव की पूजा करें, गजानंद को सबसे पहले आप स्थापित करें। आपके पूजा घर के अंदर शंख भी होना चाहिए, शंख की पूजा भी आप अपने पूजा घर पर करेंगे तो भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। दोस्तों पूजा स्थल के सामने आप मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल न करें। यदि आपके पूजा घर के ठीक सामने यदि आप जूते खोलते हैं, आप पूजा घर के ठीक सामने जूठे बर्तन रखते हैं तो यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। कभी कभी दोस्तों ऐसी स्थिति भी होती है कि रसोई घर के अंदर ही फ्लैट वास्तु होता है तो रसोई घर के अंदर भी कभी कभी कुछ लोग पूजा ग्रह बना लेते हैं, हालांकि वास्तु की दृष्टि से वो सम्मत नहीं है। फिर भी यदि आपने आपको यदि पूजा घर बनाना ही पड़ता है रसोई घर के अंदर भी तो रसोई घर के आप वास्तु के अनुरूप ही आप रसोई घर के ईशान में भी आप पूजा घर का जो आला या अलमारी बनाते हैं आप वो बना सकते हैं। पूजा करने के बाद उस आला को आप ढक दीजिए दोस्तों, ताकि आपके घर में जो दूसरे प्रकार के दोष होते हैं, कभी कभी रजस्वला स्त्रियां भी पूजा घर के ठीक सामने से चली जाती है, वो भी ठीक नहीं है। दोस्तों देखिए दोस्तों ये बहुत आवश्यक है कि हम हमारे पूजा घर को सही तरीके से रखें। यदि आपने अपने पूजा रसोई घर के अंदर अन्नपूर्णा माता की फोटो रखी हुई है तो उस फोटो की भी आप नित्य पूजा कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आपके पूजा घर की आप रोज पूजा करें, आप अपने देवताओं की रोज पूजा करें। पूजा घर में देवताओं के साथ में आप जहां तक संभव हो अपने पितरों का फोटो या अपने स्वयं का फोटो कभी भी न लगाएं, निश्चित रूप से आपको इसका बहुत ही फायदा मिलेगा। दोस्तों ऐसे अनेक उपाय है, पूजा घर के अंदर आप तुलसी दल भी रखिए, नित्य पूजा करने के साथ साथ एक पानी का भरा हुआ पात्र आप पूजा घर में रखिए। कुछ चीजें पूजा के लिए निषेध होती है वो मैं आपको विस्तृत में बाद में बताऊंगा। आप अपनी मेरी जो वास्तु की पुस्तक है खुशियों का वास्तु आप उसमें भी देख सकते हैं। दोस्तों पूजा घर यदि आपके अनुकूल स्थान पर नहीं बना हुआ है तो वहां पर नकारात्मक जो एनर्जी है वो डेवलप होने का भय रहता है, तो आप बहुत सावधानी रखिए। अपने घर के अंदर पूजा घर को सही स्थान पर रखिए, आप देखिए बहुत फायदा होगा। यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो भी आपके पूजा स्थल के दोष दूर हो सकते हैं। कुल मिला के मैंने आपको ये 7-8 टिप्स बताए हैं, ये आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे और जब आपके लिए उपयोगी होगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं आपके काम आ सकता हूँ। आप पूजा घर में भूल कर भी गुल्लक नहीं रखें, जब आप पूजा कर चुके होते हैं तो कम से कम आप 1 रुपए दक्षिणा भी दें, आप भगवान के सामने 1 रुपए भी दक्षिणा के स्वरूप में वहां रखें। महीने के अंत में आप सारे पैसे को आप इकट्ठा करके जितने भी पैसे आपने रखे हैं
गायों को आप हरा चारा या गुड़ भी दे सकते हैं। इस प्रकार आप अपने पूजा करके दोषों को दोस्तों दूर कर सकते हैं। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और बहुत बहुत फायदा लीजिए। मुझे बहुत खुशी होगी कि यदि मैं आपके काम आ पाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।